पार्ट फर्स्ट में हमने एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स या फिर पावर ऑफ रियल नंबर पढ़ लिया है। पार्ट सेकंड में हम लोग यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 2y11 का होल पावर 4 मल्टीप्लाई 11/3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2 का होल क्यूब है। इसको हमको सिंपलीफाई करना है, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग 2y11 का होल पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 डिवाइड बाय 11 के पावर 4 मल्टीप्लाई 11 का स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का क्यूब अपान 2 का क्यूब। ये जो हम इस नियम से लिखे हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि a/b हो और उसका पावर n हो, तो हम लोग लिख सकते हैं a के पावर n अपान b के पावर n। तो यहाँ पे 2 के पावर 4 अपान 11 के पावर 4 हमने इसी नियम से लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 2 के पावर 4 को लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 11 के पावर 4 को 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। इसी तरीके से हम लोग इसको भी लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 11 अपान 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 के पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखना है। 2 के पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम्स लिखना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। इसको हम लोग इतने ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन किए ताकि हम आसानी से समझा सकें कि 2 से 2 गायब हो जाएगा, 2 से 2 गायब हो गया, 2 से 2 गायब हो गया, यहाँ पे सिर्फ 1 2 बचा। फिर यहाँ देखो 1 11 से 1 11, दूसरे से दूसरा गायब हो गया, यहाँ पे 2 11 बचा। फिर यहाँ पे 1 3 से ये 3 गायब हो गया, 1 3 से ये 3 गायब हो गया, यहाँ पे 3 बचा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से अगर देखोगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू हो जाएगा 6 अपान 11 मल्टीप्लाई 11 121, 6 अपान 121 इसका जो है आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 के पावर 0 प्लस 8 के पावर 0 अपान 6 के पावर 0, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 के पावर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी नंबर हो उसके पावर 0 हो, सिर्फ 0 को छोड़कर, तो उसकी जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 2 के पावर 0 की वैल्यू 1 हो गया प्लस 8 के पावर 0 की वैल्यू 1 हो गया अपान 6 के पावर 0 की वैल्यू 1 हो गया, तो 112 डिवाइड बाई 1, तो 2/1 को लिख सकते हो 2। इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 2। इसका जो आंसर आ गया वो 2 आ गया। इसमें से थर्ड क्वेश्चन ये है, 64 अपान 125 का होल पावर जो है -2/3 है, तो इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे। यहाँ पे 1/3 है, अगर ध्यान से देखो तो 64 अपान 125 का होल पावर 1/3 का होल पावर लिख सकते हैं हम लोग -2। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, तो यहाँ पे जो इसका क्यूब हो जाएगा 64 अपान 125 का होल जो पावर है यहाँ पे है -2। ये हम लोग इस रूल से लिखे हैं कि कोई भी नंबर हो ए और उसके जो पावर हो एम हो फिर उसका होल पावर एन हो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, या तो एन पहले लिख दो या तो यम लिख दो। उसी तरीके से हमने पहले क्या किया, 1/3 को लिख दिया, फिर उसका होल पावर इसको लिख दिया। तो इस कंडीशन में यहाँ पे होता है a के पावर mn, मतलब पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, या फिर a के पावर n होल पावर m। तो इस तरीके से हमको लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो 64 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है 4, और 125 का होगा 5 होगा, और होल पावर जो इसका -2 है, -2 हो या फिर निगेटिव पावर हो, तो हमने पिछले वीडियो में बताया है कि 1 अपान उस पावर का साइन चेंज कर दो। तो 4/5, यहाँ पे -2 है तो इसका जो स्क्वायर हो जाएगा +2 हो जाएगा। फिर हमको ये पता है कि a/b का होल पावर n हो, तो a/b का होल पावर n हो, तो a के पावर n b के पावर n होता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर अपान 5 स्क्वायर। अब ये भी पता है कि यहाँ पे जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर अपान 4 स्क्वायर, तो ये जो आंसर हो जाएगा 25 अपान 16 आ जाएगा। इस तरीके से हमने दो क्वेश्चन
सॉल्व कर लिया। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ए के पावर माइनस वन अपान ए के पावर माइनस वन प्लस बी के पावर माइनस वन प्लस ए के पावर माइनस वन अपान ए के पावर माइनस वन माइनस बी के पावर माइनस वन इक्वल टू हमको प्रूफ करना है टू बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का LHS साइड लेंगे। LHS साइड ले लिए हम लोग, अब हम लोग ए के पावर माइनस वन को लिख सकते हैं वन अपान ए। हमने पहले ही बताया है कि कोई नंबर ए के पावर एन है, किसी नंबर के पावर एन हो और इसको कन्वर्ट करना है निगेटिव पावर में, तो इसको लिखेंगे ए के पावर माइनस वन, यानी कि जितना पावर है उसको वन अपान ए के पावर साइन चेंज कर दो जो भी है। तो यहाँ पे यन था, साइन चेंज कर दिए। अगर ए के पावर माइनस एन हो तो वन अपान इसका साइन चेंज कर दो, फिर वही लिख दो तो पावर में जो साइन चेंज होता है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तरीका हमने बताया है कि अगर साइन सिर्फ चेंज कर दो वन अपान करके तो वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस वन था, हमने साइन इसका चेंज कर दिया तो प्लस वन हो गया, वन अपान ए हो गया। ऐसे ही वन अपान ए हो जाएगा प्लस वन अपान बी प्लस वन अपान ए, वन अपान ए माइनस वन अपान बी। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा, तो नीचे आएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए बी, ऊपर जो है वन अपान ए है प्लस वन अपान ए, यहाँ पे जो होगा बी माइनस ए होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके, इसका मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो बी माइनस ए हो जाएगा, अपान में जो आएगा वो हो जाएगा ए बी, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर जाएगा, तो ए बी अपान इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रेकर लगा के लिखेंगे ए प्लस बी, यानी ए ब्रेकेट में ए प्लस बी, प्लस का साइन लिखा है, लिख दिए हैं, ये सबसे ऊपर गया तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी और बीच का बीच से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस ए। ए दोनों जगह है तो ए कॉमन हो जाएगा, या फिर ए ऊपर है ये नीचे गायब हो गया, ये ऊपर है ये नीचे गायब हो गया। गायब तभी होता है जब मल्टीप्लाई हो, तो ए के साथ यहाँ भी मल्टीप्लाई था, यहाँ भी मल्टीप्लाई था, तो गायब हो गया। तो जो बी अपान ए प्लस बी है प्लस बी अपान बी माइनस ए है। ध्यान से अगर देखो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो बी माइनस ए और बी प्लस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ए बी गायब हो गया। फिर लिख सकते हैं हम लोग टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू बी स्क्वायर हो गया, अपान में आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाएँ तो कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्दी